सभी का स्वागत है। सीधे रुख करते हैं रायपुर का अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां महादेव सच्चा है फ्रेंड्स। एक और आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें कि मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा गिरफ्तार हो गया है। भोपाल में हुई गिरफ्तारी, रायपुर ईडी को आज किया जाएगा सुपुर्द। ईडी को जांच में तलरेजा और रतनलाल जैन ने, आपको बता दें कि शुभम सोरी के साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला था और रतनलाल जैन फिलहाल फरार है। तो एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि भोपाल से गिरफ्तारी हुई है महादेव सच्चा ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी। इसी बार पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए मोहम्मद हसन। हसन, यहाँ पर पुलिस को एक और सफलता मिली है और एक और गिरफ्तारी महादेव सच्चा ऐप मामले में हुई है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? बिल्कुल नेहा, देखिए छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग अलग राज्यों में महादेव सट्टा को लेकर के ईडी और आईटी दोनों की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एक और यहाँ जो ईडी के जो मेन बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर पहले तो सम्मन जारी किया था जो महादेव सट्टा के संचालक है सौरभ चंद्राकर, इन लोगों के समेत। वहीं अब ऑपरेटर्स की तलाश पर भी जो ईडी की टीम है वो लगातार यहाँ पर अग्रसर कार्रवाई कर रही है। भोपाल से जो मेन ऑपरेटर है महादेव सट्टा का गिरीश तलरेजा, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। दरअसल जब रायपुर में छापेमारी की गई थी, इस दौरान जो है शुभम सोनी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से कई महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो पुलिस की टीम को और ईडी की टीम को मिले थे, जिसके बाद अब भोपाल ईडी की टीम ने जो है गिरीश तलरेजा को जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार किया और उसे रायपुर की टीम को सौंपा जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किस प्रकार से महादेव सट्टा के तार जो है और किन किन राज्यों में जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी देने के लिए।